किसानों का आंदोलन अब उग्र होता नजर आ रहा है, जिसके चलते आंदोलन के समर्थन में अब छोटे बच्चे भी उतर आए हैं। बता दें कि ये बच्चे प्राउड फार्मर ग्रुप की तरफ से सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए और परिजनों के साथ जिला सचिवालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में 3 साल से 18 साल तक की युवतियों ने भाग लिया। कृषि कानून के विरोध में जहां दिल्ली बॉर्डर पर कई राज्यों से हजारों किसान शामिल होकर धरने पर बैठे हैं, वहीं पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी विभिन्न किसान संगठनों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भी कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। बुधवार को जहां किसानों ने शहर भर में ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं किसानों के समर्थन में कुछ अलग तस्वीरें देखने को मिली हैं। इन तस्वीरों में छोटे बच्चे अपने परिजनों के साथ हाथों में बैनर लेकर किसानों के समर्थन में जिला सचिवालय में प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि जिला सचिवालय में प्रदर्शन करने वाले सभी स्कूली बच्चे थे जो अपने परिजनों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में बच्चों ने कहा, हम सभी किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, हम खुद किसान आंदोलन में शामिल होने नहीं जा सकते, लेकिन आज जिला सचिवालय में पहुंचकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द तीनों कृषि कानून वापस ले। प्रदर्शन के दौरान छोटे बच्चों में सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी देखी गई। सबको पता ही है, 1 मंथ से हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट बॉर्डर्स पर। सो एक रिक्वेस्ट है साडे वालों, यूथ वालों भी, प्लीज़ उन्होंने सुनी जाए, उन्होंने थोड़ा अपना टाइम काट के उन्होंने वाल वेख्या जाए। इन्ने डिग्री टैंपरेचर चो बैठे हुए हैं, इन्ने डेज तो इन्ने ब्रीजिज़, कोल्ड ब्रीजिज़ चल रही ने, एंड उत्तों विंटर्स के डेज ने, एंड ज़्यादातर उत्थे 80+ अपने बापू जी हरी बैठे हुए हैं। सो प्लीज़ एक बारी उन्होंने ये ना लगे भी सानू कुछ पता नहीं है, सानू सब पता है। ये जो वो कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री दे विच जो ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं, वो सानू सब नू पता है। चाहे साढ़े को नॉलेज ना हो, बट साढ़े बुजुर्गों को उन्होंने एक्सपीरियंस हैगा, उन्होंने सब पता है भी ये उन्होंने फायदे लिए नहीं है, अगे जाके प्राइवेटाइजेशन वास्ते। क्या कहेंगे आज आप सभी छोटे बच्चे उतरे हैं सपोर्ट? हाँ जी, यूथ वेख लो हूँ, इन्हों ही पता है, तो उन्होंने ना पता है जो बॉर्डर से बैठे ने, जो नैशनल मीडिया उन्होंने कह रही है भी ये टैररिस्ट ने, वो टैररिस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपनी जमीन बचाने वास्ते बैठे हुए ने, भी उन्होंने जोड़ा हक है वो अपनी एग्जिस्टेंस मांग रहे हैं, उन्होंने होर कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कोई प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, और सिर्फ जो साड़ी सरकार एक प्राइवेटाइजेशन आ रही है, उन्होंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट है भी प्लीज़ अपने कानून वापस ले लो। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कोई भी ऐसा नहीं है जो आतंकवादी जो देश के खिलाफ जा रहा हो, सबनों अपनी जमीन प्यारिया ने, प्लीज़ एक बार इकट्ठे होकर आओ सारे उत्थे जाओ दिल्ली जाओ, उन्होंने सपोर्ट करो, एटलीस्ट उन्होंने हौसला वधे भी उन्होंने पिछे एज अ वॉल असी सारे यूथ खड़ी हुई है। करनाल भर से पूछे जिले भर? हाँ जी, सारे करनाल तो फार्म आए हुए ने, सारे वेख लो छोटे बच्चे ही ने मोस्टली, एंड मेरा नाम तरनजोत है, एंड क्योंकि जो मोदी जी ने ये काले कानून बना रखे हैं उनको रद्द किया जाए और किसानों को उनका हक दिलाया जाए। अगर हम दिल्ली नहीं जा सकते तो हम यहाँ पर उनके हक के लिए खड़े हैं। कहाँ कहाँ से पूछे हैं? हम यहाँ से कोई लोग गांवों से आए हैं, कोई इसी शहर के हैं, दूर दूर से लोग आकर यहाँ पे सबका सपोर्ट कर रहे हैं, किसानों का सपोर्ट किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा रमनदीप कौर। सत श्री अकाल जी सारे नालों, पहला तो मेरा नाम इशप्रीत है, मैं इत्थे आया, मेरे भरा मेरे बाप मेरी पूरी जिंदगी जो कि किसानी च है उन्होंने सपोर्ट करन। मैं मोदी जी एक ही सलाह देना चाहवागा, पहला जाके इतिहास दी किताबा पढ़ के आन, क्योंकि जिन्होंने भी साड़िया जमीन हाथ पाने की कोशिश की है बुरा हाल होया उन्हों का, तो मोदी का भी आही हाल होएगा जो उन्हें ना काले कानून वापस किए। मैं मोदी सिर्फ आही सलाह देना चाहना, वापस कर लिया अपने कानून, हूँ नीतु बचता ते वी सपोर्ट फार्मर। क्या नाम है आपका? इशप्रीत सिंह। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.